ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 25 अगस्त के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सदा खुशी में रहें। लेकिन सदा खुशी में वही इंसान रह पाता है जिसके पास में कुछ हासिल हो गया हो। राइट, रॉन्ग। दुनिया के हिसाब से हाँ, प्रमोशन मिल गई, लॉटरी लग गई, इंसान मिल गया, रिलेशनशिप अच्छा हो गया, मैरिज हो गई, बच्चा हो गया, प्रमोशन, जॉब मिल गई, बिजनेस अच्छा चल गया, तरक्की हो गई, हैप्पीनेस। हम बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ना होते हुए भी हैप्पीनेस की। क्या ये पॉसिबल है? साइंस के लोग कहते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है। वो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वाइब्रेशंस की बात करते हैं, क्वांटम फील्ड की बात करते हैं, क्वांटम एनर्जी की बात करते हैं, इन्फिनाइट सोर्स की बात करते हैं, जिससे कि अगर आप कनेक्टेड हो जाएं तो आपके पास में सदा खुशी रह सकती है, इररिस्पेक्टिव कि बाहर आपकी दुनिया में हो क्या रहा है। यस, ये पॉसिबल है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू नॉलेज। लेकिन वो मेडिटेशन और वो नॉलेज बिल्कुल सटीक और सत्य सोर्स से आनी चाहिए, और सत्य सोर्स केवल एक ही है, द सुप्रीम क्रिएटर, जो कि स्वयं एक सोर्स है सत्य का। तो आज परमात्मा कहते हैं कि अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भवा। मतलब क्या है इसका? अमृत वेले से रात तक, अमृत वेला हो गया सुबह के 4 बजे और रात का टाइम, रात को सोने से पहले जो ये टाइम है जब से हम कॉन्शियसली अवेक होते हैं, आस्ते आस्ते कॉन्शियसली हम अवेक होते जाते हैं, अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, अब ये भाग्य क्या मिला है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। साइंस दान वाली जितने भी लोग हैं साइंटिफिक वर्ल्ड के, साइंटिफिक फेटर्निटी के, वो आज ढूंढ रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड को हम फिजिकली ताकत लगा करके तो बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश कर दी, चाहे वो साइंस के थ्रू कर लिया, फिजिक्स के थ्रू कर लिया, केमिस्ट्री के थ्रू कर लिया, बायोलॉजी के थ्रू कर लिया, मैथमेटिक्स के थ्रू कर लिया, लेकिन फिर भी दुनिया में सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? तो अब साइंस जा रही है क्वांटम फिजिक्स में, जो कि फिजिकल ये शरीर से भी दूर है, जिसको कि हम आत्म जगत कहें या क्वांटम फील्ड कहें या क्वांटम एनर्जी कहें या इनफाइनाइट वर्ल्ड कहें, जो कि अदृश्य दुनिया है। जैसे कि आत्मा भी अदृश्य है, आपका शरीर आपको दिखता है, लेकिन आप जो इस शरीर के द्वारा देख रहे हैं वो अदृश्य है, मतलब कि आप आत्मा अदृश्य हैं। अगर आप इस पराभौतिक दुनिया को अगर आप पहचान लें और समझ लें, जो कि आत्मा की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें कि संकल्पों की शक्तियाँ और संकल्पों की तरंगें चलती हैं, केवल जैसे कि आपके एंटीना की आइडिया वोडाफोन जियो की तरंगे हैं लेकिन आपको दिखती नहीं है, उसी तरीके से आपके संकल्पों की तरंगे हैं, और अगर आप उन संकल्पों की तरंगों में अगर आप टैप कर पाए, जहाँ से वो आ रही हैं, प्योर बिल्कुल, उसमें डिविनिटी है, कोई मिलावट नहीं है। इंसान के संकल्पों की तरंगों में मिलावट हो सकती है, लोभ हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लेकिन ये बात हो रही है ऐसी तरंगों की जिनके द्वारा अगर आप कनेक्ट हो जाएं तो आपको अपने जीवन में दुनियावी चीज़ों के बिना भी खुशी महसूस हो सकती है। राइट, यही चीज़ें साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं, और हम ब्रह्म कुमारी इसमें पिछले 86 ईयर्स से ये चीज़ प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मैं स्वयं 10 साल से कर रहा हूँ, और बहुत सारे जो हैं पुराने हैं जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो उनको बहुत प्राप्तियाँ हुई हैं। ऐसी भी प्राप्तियाँ हुई कि उन्होंने ऑपरेशन भी कराए, वो भी बिना एनेस्थीसिया के, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे बॉडी से डिटैच किया जा सकता है अपने आप को। यस, यहाँ तक कि आप कर सकते हैं, आप अपनी बीमारियाँ, 4 स्टेज कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑल ब्लॉकेजेस, इन सारी चीज़ों को आप अपनी संकल्प शक्ति से और महसूसता से, फीलिंग, प्योर फीलिंग से आप हील कर सकते हैं, जो कि आज साइंस भी प्रूव कर रहा है, मेडिटेशन तक आ चुका है साइंस आज। तो ये मेडिटेशन कर रहा कौन है, इसको हमें जानना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि ऐसा ज्ञान मिल गया जिसमें कि आप ये सारी ज्ञान, सारी क्वालिटीज और मेडिटेशन प्रोसेस आप जान चुके हैं, जिससे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, जो कि आज साइंस वाले, मेडिसिन वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। मेडिसिन वाले भी आज रिसर्च में लगे हैं कि कैसे माइंड ओवर मैटर, कि आपकी संकल्प शक्ति आपके दवाइयों से भी तेज काम कर सकती है। फिर परमात्मा कहते हैं, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया, जो भाग्य बांटता है, जिसको भगवान, परमात्मा, गॉड कहते हैं, वही अगर आपको भाग्य बांट रहा हो तो और चाहिए क्या आपको?
इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए कि शरीर छोड़ना, लेकिन अगर आपको अपनी ऊर्जा जो आप रियल हो उससे आपके कनेक्शन है, तो ये फिजिकल वर्ल्ड या फिजिकल शरीर को कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि आप अमर हो। ये ज्ञान पाने के बाद में आपको कुछ असर पड़ेगा नहीं। लेकिन खुशी नहीं जाए, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए, ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं इस तरीके से, इस संकल्प शक्ति से, इस लाइफस्टाइल से, इस सोच से जी रहे हैं आज। लाइफ अलाइव आप उनको मिल सकते हैं ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन में। ये शक्ति है जो कि फिजिकल शक्ति, धन की शक्ति, खूबसूरती की शक्ति से नहीं आती है। इसको पता करें, इसी गहराई में जाएं, ये अनंत शक्ति है। इसी के साथ ओम शांति।